ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को भी आप समान बनाने की न केवल प्रेरणा देते हैं, न केवल शिक्षा देते हैं या सिर्फ लक्ष्य देते हैं, परंतु लक्षणों को धारण करने की शक्ति देते हैं। बाबा की महिमा है, बाबा दाता हैं, विधाता हैं, वरदाता हैं। जिन आत्माओं का लक्ष्य बाप समान दाता और वरदाता बनने का है, वो बाबा की बताई हुई विधि को अगर विधि पूर्वक अपनाते हैं तो भाग्य विधाता बन जाते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा जी को भाग्य विधाता कहा जाता है। अपना भाग्य वो बना सकता है जिनका भगवान के साथ दिन रात कनेक्शन है, संबंध जुटा हुआ है। कल बाबा ने कहा कि आपके जड़ चित्र भी भक्तों को दुआएं देते हैं। आपके चित्रों द्वारा बाबा अनेकों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चित्र तो यादगार हैं। यादगार तब बनती है जब कोई प्रैक्टिकल में, रियल रूप में किसी ने कर्तव्य किया होता है, उनका यादगार बनता है। चित्र तभी बनता है जब उनका जीवन का वो चरित्र प्रैक्टिकल जीवन में आता है। तो हम बच्चों को बाबा बार बार ये शिक्षा देते रहे हैं, दे रहे हैं, दुआएं दो, दुआएं लो। और कल तो बाबा ने कहा लेने की बात भी ना रहे, ऑटोमेटिकली मिलती रहे। देना, लेने के लिए भी ऑटोमेटिकली मिलती रहे, तो आप अपने जीवन में स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस रखो। स्व उन्नति ही वास्तव में अपने को दुआ देना है, क्योंकि सबसे पहले तो स्वयं हम आत्माएं, अपने प्रति हमारी स्व लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है कि हम स्वयं को ऐसा बना सकें जो हमारा मन सदा ही स्वच्छ रहे। दुआओं का आधार, दुआओं देने का आधार हृदय की शुद्धि है। तो ये स्वयं की सेवा है, स्वयं के हृदय को शुद्ध रखना, क्योंकि जब मन शुद्ध है तो मन मना भाव में हम स्थित हो सकते। बुद्धि निर्मल पवित्र है तो बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से जुट सकता। बिना शुभ भावना के शुभ कामना नहीं हो सकती। दुआएं देना माना सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना। ये बाहर की चीज तो बाद में, देने की तो बात ऑटोमेटिकली उनको मिले, उसके लिए तो स्थिति चाहिए ना। तो हमारे मन की शुद्धि,
विधि है, विधाता ने ये विधि दी है कि मन की शुद्धि रहे, मन पवित्र रहे, निर्मल रहे। पर अगर मैंने किसी भी प्रकार की मन में अशुद्धि अथवा नेगेटिव ले लिया किसी के प्रति, या मन में क्रिएट किया, तो वो अशुद्धि मुझे दूसरी आत्माओं के लिए भावना शुद्ध रखने ही नहीं देगी। तो मनोकामना करने की या श्रेष्ठ भावना रखने की तो बात ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में अगर मेरा मन असंतुष्ट है, दूसरी आत्मा को संतुष्टता का दान हम कैसे दे सकेंगे। इसलिए कल बाबा ने ये विधि बताई, वृत्ति को शुद्ध रखे, मनोवृत्ति को पवित्र बनावे। मन की वृत्ति से ही वातावरण बनता है, वृत्ति से ही दृष्टि बनती है, दृष्टि से सृष्टि। तो दूसरी आत्माओं के लिए भी हम सुखमय सृष्टि बना सकें, दूसरी आत्माओं के लिए भी हमारे अंदर इतनी मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं हों, जब हमारा मन मंगलमय हो। अगर किसी भी प्रकार की मन में दुख की लहर है, तो जो मेरे पास है वही मैं दूसरों को दे सकूंगी ना। मेरे हृदय में जो है वो ऑटोमेटिकली बिना बोले भी वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। वृत्ति से बाबा ने कहा वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर बनता है, वातावरण बनता है, और वो ना केवल मनुष्यों पर पड़ता है परंतु प्रकृति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हम प्रकृति को भी सतोगुणी शुद्ध बनाते हैं मनोवृत्ति से। अब मनोवृत्ति का मतलब कि नहीं, वो बार बार एक बारी के संकल्प करने की बात नहीं। वृत्ति क्या है? वृत्ति का मतलब है बार बार उस संकल्प को हम रिपीट करें, न केवल संकल्प में परंतु व्यवहार में करें। क्योंकि रिपीट में सिर्फ संकल्प तक नहीं है, कोई भी चीज रिपीट है तो उसकी आदि, मध्य, अंत और फिर आदि, तब कहा जाता है रिपीट। तो कोई भी चीज सर्कुलेशन होती रहे तो एटमॉस्फेयर बनता है। जैसे पंखा है, ऑन किया तो पंखा बार बार जब चल रहा है, रिपीट हो रहा है, उसके पंख जो हैं स्विच ऑन करने के बाद रिपीट होते हैं, राउंड राउंड घूमता रहता है, तो तब यह हवा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ऐसे ही पंखे के पंख तो हैं पर हवा नहीं मिलती बिना वो रिपीट किए, चक्कर चलाए। इसी प्रकार से मन, वचन, कर्म तीनों ही जब हमारे श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, कल्याणकारी हैं, तो तब दूसरी आत्माओं को ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी वो ही भावनाएं व्यवहार में उनको अनुभव होंगी, नहीं तो अनुभव नहीं होंगी। इसलिए बाबा ने कहा ना केवल वृत्ति आपके मनो तक रहे परंतु वृत्ति इतनी वातावरण में आ जावे जो दूसरी आत्माओं को भी अनुभव हो। कभी हम कहते नहीं, मेरी भावना तो आपके लिए बहुत शुभ है। अच्छा, मेरी भावना शुभ है, शुभ भावना तो बहुत शुभ है, जब तो कहा तो कुछ उसमें कमी है। शुभ है तो शुभ मिले उनको। कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं इसके लिए मेरी बहुत शुभ भावना है, परंतु अंदर जो है हम असंतुष्ट हैं। किसी का ये पहले देखना है, चेकिंग अंदर मन की वृत्ति में देखना है, असंतुष्टि से मैं कह रहा हूं या कह रही हूं कि मेरी आपके लिए बड़ी शुभ भावना है, मैं किसी से तंग आ चुकी हूं, परेशान हूं, उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उनका संस्कार मुझे परेशान करता है, तो मैं कहती हूँ तेरे लिए मेरी बड़ी शुभ भावना है। तंग आकर के मैंने कहा शुभ भावना है, तो वो जो तंगी से शुभ भावना कही, तो मेरे वाणी में शुभ भावना शब्द है परंतु उसमें परेशानी, जोश या रिएक्शन प्रकट होता है। हम गुस्से से भी कह भी रहे हैं पर जोश से कह रहे हैं तेरे लिए मेरी बड़ी शुभ भावना है।
घर में ऐसा भी होता है, तंग होते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं वो बदल जावे। ये भावना तो है शुभ भावना कि वो बदल जावे, परंतु वो मेरी कामना अंदर ये है कि मेरे को ये तंग ना करे। लेने की भावना है, ये मुझे तंग ना करे, ये मुझे परेशान ना करे, ये मुझे दुख ना देवे। तो सूक्ष्म में वृत्ति में देने की भावना नहीं है, वृत्ति में सुख लेने की भावना है। वृत्ति में दूसरे का संस्कार मुझे परेशान ना करे, ये भावना है। वृत्ति में यह हो कि मुझे गुण का दान करना है, तो मेरी जो दृष्टि है उसमें दोष रख करके फिर भावना शुभ रखने की बात नहीं, दोष देख के मैंने शुभ भावना रखी तो बीज में कीड़ा लग गया, फिर वो मेरी भावना जो है वो उनको फल नहीं देगी। उनको मेरे मन की वृत्ति में जो कटाक्ष है या क्रिटिसिज्म है या उनके लिए किसी भी प्रकार के जो बोल है उसमें मधुरता नहीं है, उसमें उनको शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए दुआएं देने के लिए पहले मन की वृत्ति को चेक करें और साथ साथ दृष्टि में दोष भावना नहीं, दृष्टि में कल्याण भावना, और दृष्टि में ये आत्मा के बाबा की ये विशेष आत्मा अपने पुरुषार्थ में, वो भी तो अगर कोई इसमें कमी है भी सही तो वो तो अपने पुरुषार्थ में अपने आप को परिवर्तन करने में वो भी बिजी होगी। फिर बाबा ने तो कल कितनी सुंदर बात बताई कि कोई कितनी भी कमियां हो आप कमी पर ध्यान न दें, क्यों कि 99 कमियां होते हुए भी, 99 कमियां होते हुए भी उनमें एक विशेषता है। तो ये भी मेरी अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ करने के लिए, अपनी दृष्टि को दिव्य बनाने के लिए मुझे दृष्टिकोण चेंज करना होगा। हाँ, कि हर एक आत्मा विशेष है, जिसको बाबा ने कल कहा कि बाबा को आप फॉलो करो और विशेषताओं को अपना बनाओ, अपनाओ। तो बाबा ने तो क्षमा का सागर बन करके कमियों को देखते हुए भी नहीं देखा, ज्ञान का सागर बाबा ने कहा कि अच्छा आप जानते हैं कमियां हैं, जानते हैं कि कमी किसी में कमजोरी है, ज्ञान ज्ञान सागर बन करके मास्टर ज्ञान सागर बने तो कमजोरी दिखाई पड़ी, समझ में आई, पर कमजोरी को अंदर इम्प्रेशन उसका ले लेना, उसका प्रभाव अपने ऊपर ले लेना, वो मेरी कमजोरी बन गई ना। तो कमजोरी मैंने रखी, दूसरे के प्रति शुभ भावना मैं कैसे रख सकती हूँ, वो मैं ही कमजोरी, तो मैं ही कमजोर हो गई, दूसरे को शक्ति कहाँ से दूंगी। इसलिए कमजोरी को देखते हुए, कमी को देखते हुए अपने अंदर वो कमी को बिठाना नहीं है, यानी मतलब हृदय को शुद्ध रखना। कमजोरी को अंदर रखा, अगर किसी की कमी को मैंने अपने अंदर रखा तो किचरे को अंदर रखा ना। अब किचरा अगर मैंने अंदर रखा है, नेगेटिव रखा है अपने मन में, तो गुड फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि अशुद्धि का वातावरण कभी अच्छी मन में फीलिंग नहीं लाएगा, अनुभव नहीं अच्छा, मैं ही अनुभव अच्छा नहीं कर रही हूँ तो अनुभूति मेरी अपनी अच्छी नहीं है, भावना अच्छी नहीं है, तो दिल से दुआएं निकलेंगी नहीं। दुआएं निकलेंगी ऐसे कि परेशानी, परेशान होकर के दुआएं नहीं दी, परेशान में रह करके दुआएं दी, स्वमान में रह करके दुआएं दी, नहीं तो दुआएं दे रहे हैं अपमान, पहले उनकी कमजोरी के लिए दिल में अपमान की भावना है, या फिर ये मैं तो श्रेष्ठ हूँ ये कमजोर है अभिमान की भावना है, उससे हम किसके लिए दुआएं नहीं दे सकते। स्वमान में रह करके सम्मान देते हुए पहले उस आत्मा की जय जो है जैसा है, जैसे बाबा ने हमको स्वीकार किया, तो हम भले 99 कमियां हैं ये स्वीकार करते हुए एक विशेषता को सत्कार दें, तो पहले अपनी फीलिंग को चेंज करें, तो कमजोरी से ध्यान हट जाएगा, गुण पर ध्यान रहेगा, तो गुण का दान दे सकेंगे, गुण गुण को खींचता है।
अगर मेरा मन की वृत्ति में अवगुण से कनेक्शन जुट गया तो गुण उसमें से प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए मन की वृत्ति को चेंज करना माना, बेशक मालूम है कि कमी है, जैसे फूल में पता है कि 10 कांटे हैं, हम जानते हैं गुण, यानी ज्ञान है। फूल गुलाब का फूल खिला हुआ है, खुशबूदार है, उसमें 10 कांटे ही ज्ञान तो है, पर ले ध्यान कहाँ पर है? फूल की सुगंध में। और उस सुगंध से, उस खुशबू से हम खुश होते हैं, तो कांटे के लिए ना नफरत है, ना कोई विरोध है, ना उसके लिए मुझे कोई दुख की भावना है। फीलिंग चेंज हो गई कांटे पर, फिर ध्यान ही नहीं है। तो इसीलिए जैसे एक गुलाब के फूल में 15-20 कांटे होते हुए भी ध्यान गुलाब पर है, तो 99 कमजोरियां होते भी बाबा बागवान का हम बच्चों के ऊपर फूलों पर ध्यान है। तो ऐसे हम तभी वो हम अपने अंदर वो मन की भावना को चेंज करेंगे, वृत्ति को चेंज करेंगे, तो हमारी दृष्टि गुण पर ही रहेगी। और जब हम गुण ग्रहण करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली उनसे मिल गया, यानी जो हमको चाहिए, और हमारी भावना अच्छी से, हमारी फीलिंग अच्छी हो गई, हम देंगे फीलिंग ऑटोमेटिकली, तो स्वयं की सेवा हो गई दूसरे की सेवा करने से पहले। इसलिए बैलेंस है स्व सेवा और अन्य आत्माओं की सेवा। तो मैं अपने आप को किसी भी बात में कमी लेकर के, किचरे को लेकर के परेशानी ना लूं, क्योंकि किचरा परेशान करता है। इसलिए स्वमान में रह करके सम्मान की भावना से, कल्याण की भावना, हम ऑटोमेटिकली भावना क्या परंतु व्यवहार में आएगी तो संस्कार में आ जाएगी। इसीलिए ये जितनी हम बाहर से दूसरी आत्माओं को, बाहर जिनके साथ हमारा रोज का कनेक्शन नहीं है, उनके लिए हमारी भावना में विरोध नहीं है, कमजोरी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जहां हम सेवा के लिए जाते हैं तो हमको मालूम है संपर्क में आने वाली आत्माएं, उनके अंदर कुछ आदतें भी हैं, वो ब्राह्मण जीवन भी नहीं जी रहे, उनके अंदर अभी तक ज्ञान नहीं है, तो इसलिए अपने जीवन परिवर्तन करने का कोई लक्ष्य भी नहीं है, परंतु हम उनकी विशेषताओं को जानते हैं, उनकी योग्यता को हम जानते हैं, वो किस प्रकार से बाबा के यज्ञ में, सेवा में मददगार बन सकते हैं वो हम जानते हैं, तो हमारी भावना क्या रहती है, हम इनकी सेवा करें, सेवा करके इनको सहयोगी आत्मा को योगी बना लेवे। भावना में फर्क आ गया, वृत्ति में फर्क आया। हमारे संग में जो रहने वाली आत्माएं हैं उनको हमने, हमारी भावना में कमजोरी ज्यादा रही, अटेंशन यानी भाव मतलब हमारी वृत्ति और दृष्टि में कमजोरी पर ध्यान है। और जो बाहर वाली आत्माएं हैं जिनके साथ हम जो ज्ञान में नहीं है, अभी सिर्फ संपर्क वाली आत्माएं हैं, हमको पता है कितनी भी उनकी आदतें किस भी प्रकार की हो, हम वो स्वीकार करते हैं, हम उनकी कमजोरी को स्वीकार करते हुए उनकी विशेषता पर ध्यान देते हैं, तो वृत्ति में भावना शुभ हो गई ना। तो इसलिए पहले अपनी वृत्ति को बार बार चेक करें, और चेक करके फिर चेंज करें, तो तभी हमारी न केवल बाहर वालों के लिए, परंतु जो घर वाले हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ सेवा पर उपस्थित हैं, तो उस भावना से बाबा ने कहा कि दुआएं दो। सिर्फ ऐसे नहीं कि जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे उनके साथ मैं अच्छा करूं, कितना भी वो आपको, आपका अपमान करे, गाली देने वाले को आप गले लगाओ, फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाने का मतलब यानी हम उनके प्रति फिर से दिव्य गुणों का ही दान करें, हम उनके प्रति भावना को इतना श्रेष्ठ बना करके रखें। आत्मिक दृष्टि में रहें, दृष्टि हमारी
शुद्ध पवित्र होगी, वृत्ति शुद्ध है तो दृष्टि में दया भाव आ जाएगा। कमजोरी फिर भी दिखाई पड़ रही है परंतु फिर वो दया भाव आ जाएगा कि ये बेचारी आत्मा परवश है। ज्ञान में रहम भर जाएगा। ज्ञान मिला उस वृत्ति को दृष्टि में ये है कि जब परवश आत्मा है तो उसका दोष नहीं है। जो परवश है उसका दोष नहीं है तो उनका दोष हमको दोषी, हम उनको दोषी नहीं बनाएंगे। बेचारी आत्मा कमजोर है तो उस समय मैं क्यों क्या नहीं करूंगी, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों करता है। हमारी उस समय भावना, जैसे एक बारी दादी जानकी ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि जैसे डॉक्टर होता है ना, तो कोई एक्सीडेंट किसी ने किया, अच्छा एक्सीडेंट हो गया और उस इमरजेंसी में वो केस आया आपके पास, तो डॉक्टर ये नहीं कहता तुम शराब पी करके क्यों कार चला रहे थे, रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों कर रहे थे। पता है कि कुछ एक्सीडेंट इसकी कमजोरी के कारण हुआ है, पर पुलिस इंस्पेक्टर का काम उससे नहीं, उस समय नहीं करता। उस समय वो डॉक्टर बन करके, जो क्योंकि अपनी ड्यूटी ये है, उसका अपना कर्तव्य ये है, वो अपने गुणों को उस समय प्रत्यक्ष कर रहा है, दूसरे के अवगुण को क्यों क्या में नहीं जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम आत्माओं को बाबा ने कल्याणकारी का टाइटल दिया है। हमारी दृष्टि में कल्याण, हम कल्याणकारी आत्माएं हम हैं, तो आत्मिक दृष्टि से ही आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, देह दृष्टि से कल्याण नहीं कर सकते। जैसे ही देह भाव में हम आते हैं तो दोष देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं भी, मेरी दृष्टि भी उन आत्माओं के प्रति आत्मिक भाव की रहे, तो देह अभिमान के कारण, परवश के कारण, चाहे क्रोध के वश, चाहे लोभ के वश, चाहे मोह के वश, या अभिमान के वश, किसी भी विकार के वशीभूत होकर के इस आत्मा ने कोई कार्य किया तो भूतों के वश है ना। तो भगवान तो भूतनाथ है, क्षमा का सागर है, इसलिए मैं भी मास्टर क्षमा का सागर बन जाऊं। बिना शुभ भावना के, प्रेम भावना के, स्नेह के बिना, स्नेह की शक्ति के बिना हम उन आत्मा को क्षमा नहीं कर सकते। और वो तब होगा जब आत्मिक हमारी वृत्ति और आत्मिक दृष्टि रहे तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी, मीन्स हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा कर्म है, वो ही बदल जाएगा। तो वो हमने दिया है, देवता तभी नाम है ना, स्नेह दिया है, शांति दी है, प्रेम दिया है, सत्कार दिया है, तो देने का नाम है देवता। और ब्राह्मण का संस्कार है श्रेष्ठ कर्म करना, कर्म से देना है ना, कोई बाहर की चीज तो नहीं है। क्षमा जो है कोई बाहर की चीज तो नहीं है कि एक गठड़ी उठा करके किसको दे देंगे, या एक बॉक्स में किसी को कुछ दे देंगे। ये तो मन की वृत्ति की भावना की बात है ना, हमारी अंदर की शक्ति की बात है, हमारे में सहन शक्ति कितनी है, हमारे में जो परमात्म प्यार है वो कितना है। तो जितना ये अपनी चेकिंग करे कि मेरे पास स्टॉक कितना है, देने वाला अगर मैं खाली हूं, मेरा ही अपना हृदय जो है वो किसी न किसी दुख के कारण वीक हो चुका है, खाली हो चुका है, दुखी है, मैं कैसे किसको सुखी करूंगा। इसलिए देने से पहले ये देखना है कि मैंने परमात्मा से लिया कितना है। जो बाबा से मैंने लिया हुआ है वो दूंगी ना, कुछ अपने हिसाब किताब बनेगा, मैंने दिया ये भावना आ जाएगी। बाबा से जो लिया हुआ है वो इतना ओवरफ्लो है, इतना अनलिमिटेड है, इतना सर्वोत्तम और श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ उनके पास जाएगा ना, अनलिमिटेड दे सकेंगे, बेहद दे सकेंगे। इसे दुआएं दो तो देगा वो जिसने परमात्मा से अपने आप में संपन्न बना लिया है अपने आप को। हम बाबा से वो संपत्ति लेकर के, जिसको आज बाबा ने कहा
और कोई आपके पास संपत्ति की बात नहीं, आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है। किसी के पास कितने भी बाकी सब देना धन संपत्ति है, परंतु सिंपैथी नहीं है तो वो दाता नहीं बन सकता। तो सिंपैथी का मतलब है हम आत्माएं उन आत्माओं को जो हमारे अंदर फीलिंग है, परमात्मा ने जो हमको दी हुई है, सहानुभूति, यानी जो परमात्मा से हमको परमात्मा के साथ रहने से, परमात्मा को अपना साथी बनाने से, परमपिता परमात्मा को साथी और सारथी बना लेने से जो हमको वो शक्तियाँ मिली हैं, ज्ञान मिला हुआ है, गुण मिले हुए हैं, समझ से हमारे संस्कार श्रेष्ठ बने हैं, जो हमको मिले हुए हैं उसका अनुभव उनको करावे। इसका मतलब है देना, यानी उनको अनुभव हो, जो अनुभव अविनाशी हो उसका नाम है देना। उन आत्माओं को महसूस होगा कि हमको मिला, नहीं तो हम सिर्फ अगर शब्दों में कह देते हैं कि मुझे आपसे बड़ी सहानुभूति है, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो हम किसी को कहते हैं मेरे को आपके लिए बड़ी सहानुभूति है, कोई ने शरीर छोड़ा वो रो रहे हैं हम भी रोने लग गए, राइट, तो हम दिखाते हैं उनको सहानुभूति है। उस समय उनके उनके रिश्तेदार को हम याद नहीं कर रहे, जो अपना रिश्तेदार मरा है ना उसको याद करके सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो अनुभूति दुख की अनुभूति के साथ अनुभूति कराई। परंतु ये है परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध जुटा हुआ है, परमपिता परमात्मा से जो हमको शक्ति मिली है, उस शक्ति की अनुभूति उन आत्मा को समय करावे। तो जैसे बाबा ने कहा कि क्षमा करने का मतलब है उस आत्मा को ना केवल ये महसूस हो कि मेरी भूलों को उन्होंने क्षमा किया, परंतु बाबा ने शक्ति दी है भूलों को भुलवा देने की, उसको कहते हैं दुआ देना, यानी कांटे वाले पर भी फूल बरसाना, गाली देने वाले को गले लगाना, यानी स्नेह से स्वीकार कर लेना, और इतना प्यार का अधिकार उनको प्राप्त करा देना कि वो आत्माएं स्वमान में स्थित हो जाएं। तो वो दुआ उनके लिए दवाई बन गई। बाबा ने कहा शिक्षा देने की बात नहीं है, वो कोई कहते ना कोई ये रॉन्ग बात करता है तो जरूर इनको कहना तो पड़ेगा, नहीं, बाबा ने कहा क्षमा करना ही किसी को शिक्षा देना अथवा सहयोग देना अथवा शक्ति देना देना, उसके साथ साथ उनके गुणों का स्मृति दिला करके उनको सम्मान दे देना। तो पहले अपने आप में देखें कि मैं आत्मा स्वयं की सेवा कर रही हूँ, मैंने जो परमात्मा से बाबा ने हमको जो लक्ष्य दिया है संपन्न बनने का, उन लक्षणों की मैं मूर्ति बनी हूँ। लक्षणों का ही दान देना दुआ देना है ना। लक्ष्मी मूरत जो है वो हमेशा ऐसे दाता रूप में दिखाई है, श्री लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी नारायण, यही हमारा लक्ष्य है। आदि देव आदि देवी, यही हमारा लक्ष्य है। बाबा ने यही कहा ना, नंबर वन बनना है, दाता रूप बनना है, दुआएं देने वाला बनना है, एटमोसफियर क्रिएट करना है। बाबा ने मधुबन में जो एटमोसफियर क्रिएट किया है, वातावरण क्रिएट किया है, वो आज तक भी वातावरण हमको अनुभव कराता है। तो बाहर से देने की तो चीज़ नहीं। जब हम आत्माएं सर्वशक्ति संपन्न बन जाती हैं तो चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस है। सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ योग भी नहीं, सिर्फ अगर एक ही बात ज्ञान है, ठीक है, हम शुभ भावनाएं कर रहे हैं, शुभ भावनाएं हमको रखनी है, या आत्मा या ज्ञानी है हमको इनको ज्ञान देना है, या आत्माएं कमज़ोर है हमको शक्ति देनी है, ज्ञान अगर है तो एक ही झूले में झूल रहे हैं, जैसे कोई रस्सी पकड़ करके झूल भी रहा है ना, तो दूसरा समझेगा बेचारा फांसी पर लटक रहा है। दो है तो बैलेंस लगता है। ज्ञान के साथ योग चाहिए, योग से शक्ति मिलती है, उस शक्ति से हमारे अंदर धारणा आती है अनुभूति की, बाबा के गुणों का खुद से हम अनुभव करके भंडार बनते हैं, उस आधार से ही वो परमात्म प्यार के हम अधिकारी हैं,
वही अधिकार जो हमको परमात्मा से मिला है, तो हम आत्माएं दूसरी आत्मा को उस अनुभव का अधिकार देते हैं, अथवा अनुभव प्राप्त कराते हैं, जिसको बाबा ने आज कहा कि आपके मस्तक से, आपके नैनों से उनको साक्षात्कार होगा, जैसे बाबा के नैनों से त्रिमूर्ति का नशा ना था। बाबा के नैनों में त्रिमूर्ति स्वरूप का नशा था और मस्तक में बाबा की वो लाइट चमकती थी। उसी स्थिति में हम अगर स्थित हैं, स्वरूप की स्थिति में स्थित है और गुणों से संपन्न है, तो हमारी दृष्टि में उन आत्माओं के प्रति न केवल दया भाव परंतु स्नेह और सम्मान भाव होगा, रहम से प्रेम बन जाएगा। परमात्मा भक्तों पर रहम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, उससे दिल से दुआएं हैं। ये फर्क है रहम और प्रेम में। बिना प्रेम के किसी को अंदर की शक्ति नहीं दे सकते, फिर वो दिल से दुआएं निकलती है, दिल से, क्योंकि दिल में प्रेम भावना बैठ गई ना तो दुआएं ऑटोमेटिकली है। तो जितना जितने हम परमात्मा के आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, उतना दुआएं की शक्ति भरने के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा से दुआ लेने के अधिकारी आत्माएं ही, आज्ञाकारी आत्माएं ही अधिकारी बनती हैं परमात्म शक्ति प्राप्त करने की। तो परमात्म शक्ति दुआएं देती है, परमात्म प्यार दुआएं देता है। बाकी देह की जो संबंध का जो प्यार है वो मोहवश है, मोहवश दुआएं टेम्पररी मिलती हैं। तो हम जितना परमा बाबा ने हम बच्चों को जो आज्ञाकारी आज्ञा दी है, कैसे अपने मनसा वाचा और कर्मणा, इन तीनों से हम साथ साथ सेवा करें। ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, इन तीनों स्वरूपों को साथ साथ, इन इस चरित्र रूप में हम स्थित हो जावें, इस स्थिति में स्थित हो जावें, वो दुआएं ऑटोमेटिकली दूसरों को मिलती चली जाएंगी। ब्राह्मण स्वरूप श्रेष्ठ कर्म स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है न्यारा, किसी की कमी कमजोरी का उस पर प्रभाव नहीं है, हृदय एकदम शुद्ध है, बंधन मुक्त है, किसी की कमजोरी का किचरे का असर नहीं है। और देवता नेचुरल दिव्य स्वरूप है, कोई कर्म बंधन नहीं है देने से, श्रेष्ठ कर्म करते गुणों का व्यवहार लेन देन होता रहता है परंतु कोई कर्म का बंधन नहीं है। तो ऐसे हम इसी अपने भविष्य स्वरूप, प्रेजेंट ब्राह्मण रूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप, तीनों की स्मृति रहेगी, ऐसे हमारे फीचर्स, ऐसा हमारा करेक्टर, मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार से हम श्रेष्ठ कर रहे हैं, तो फिर दिल से दुआएं निकलेंगी क्योंकि हृदय की शुद्धि हो गई ना। भावना जितनी हमारी, तो हमारी मनोकामना जैसे बाबा पूरी कर रहे हैं, हमारे चित्र भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो अभी हम बाबा की जो हमारे प्रति कामना है, ये भावना है कि हम ऐसा ही बाप समान बने, वो हम पहले बाबा की कामना को पूरी करें, तो बाबा से जो हमारी सदा अमर भव का वरदान, शक्ति स्वरूप भव का वरदान, दुआएं वरदान बन जाएंगी। रहम टेम्पररी प्राप्त कराते हैं चीज, समझो किसी के प्रति आपका रहम है ना, मर्सी है, कोई दुखी है आपने थोड़ी मदद कर दी, उससे दिल से दुआएं निकली आपको, वो टेम्पररी मदद प्राप्ति हुई, टेम्पररी लेन देन हुआ। कोई रोग, कोई गरीब है, आपने उसको पैसा दे दिया, उससे दुआएं मिली, थोड़े समय की प्राप्ति है। तो रहम जो है वो टेम्पररी हेल्प है, प्रेम पहले से शक्ति है, प्रेम जो है वो दूसरे के अंदर उत्साह उमंग पैदा करता है, उनके अंदर उनके प्रति सम्मान पैदा करता है, प्रेम में उमंग उत्साह भर जाता होता है, उससे उनके लिए आपकी दिल से दुआएं निकलती हैं। और शक्ति जो है
वो वरदान का काम करती है। किसी में डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन आत्माओं को शक्ति मिलती है श्रेष्ठ कार्य करने की, तो वो दुआ वरदान बन जाती है। तो एक दान है, एक दुआएं हैं, तीसरा वरदान है। तो ऐसी हमारी दुआएं हों जो वरदाता के बच्चे हम वरदानी मूर्त बन जाएं। इसलिए हमेशा देवताओं को वरदान रूप दिखाते हैं, वरदान का हाथ है, दान देके फिर पूरा किया थोड़े समय के लिए। तो जितना जितना हम डिटैच स्थिति में स्थित हैं, न्यारे हैं, अवगुण से भी न्यारे हैं, गुण के प्रभाव से भी न्यारे हैं, फरिश्ता स्वरूप है, तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने में भी शक्ति होगी। तो हमारा अपना पुरुषार्थ, इसलिए दूसरों को दुआएं देने से पहले परमात्मा से दुआएं अथवा शक्ति लेवें, फिर दुआएं दें, दुआएं लें, उसका हिसाब किताब बहुत श्रेष्ठ फलदायक है। भक्ति में भी अथवा परिवार में रहते हुए भी हमेशा माँ बाप दुआएं देते हैं, आज्ञाकारी बच्चों को दुआएं देते हैं, सुख देने वालों से दुआएं मिलती हैं, सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी। भाई कहते कोई किसी को दुख ना दो नहीं तो बददुआ मिलेगी, तो कौन सा सुख देवे? प्रकृति के साधन तो शारीरिक सुख दे रहे हैं, साइंस भौतिक सुख देती है, संपत्ति भौतिक सुख देती है, दिल से दुआएं अगर लेनी है तो आत्मिक सुख देना है। आत्मिक सुख तब मिलता है जब हम उनको परमात्मा द्वारा जो मिला हुआ हमको ज्ञान, हमको जो अनुभूति हुई है परमात्म संबंध से, जो शक्ति मिली हुई है वो हम उन आत्माओं को देवे। इसलिए ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान जब देते हैं तो दुआएं मिलती हैं। देने की यानी कि उन आत्माओं की सेवा ऑटोमेटिकली मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हो जाती है। इसलिए अपने अंदर हमारा अपना पुरुषार्थ ये रहे, जैसे कल बाबा ने कहा कि ये देते रहे लगातार, पंखा चलता रहेगा तो हवा होती रहेगी, हीटिंग ऑन है तो जैसे नहीं जैसे लकड़ी जल रही है, गर्मी उसकी है, तभी बाबा ने कहा लगातार रहे वो, तो संस्कार बन जावे, दृढ़ता भी हो, तीव्रता भी हो और लगातार भी हो, सदा भी रहे। इसलिए अपने पास हम ये अंदर दृढ़ भावना रखें, मैं कल्याणकारी पिता की संतान हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ। तो अपने स्वमान में जब स्थित रहेंगे, अपनी स्थिति पर श्रेष्ठ ध्यान रहेगा, तो किसी परिस्थिति में किसी आत्मा को मदद कर सकेंगे, उससे भी दुआएं मिलेंगी। कोई आत्मा विरोध करने वाली है उस पर भी क्रोध न करें, उसके प्रति भी स्नेह की भावना रहे, तो उनके परिवर्तन की शक्ति भी हमको दुआएं मिलेंगी, क्योंकि उनकी शुभ भावना, स्नेह की भावना आपको अपनी स्थिति को व्यर्थ न चलने में मदद करेगी। उनका भी व्यर्थ नहीं संकल्प चलता, हमारा भी जो जिसने अच्छा व्यवहार किया हमारा भी पीछे विचार नहीं चलता, इसने ऐसा क्यों किया, हमने क्यों किया, तो व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं। तो हम जब ज्ञान का रीति से किसी आत्मा को मदद कर रहे हैं तो उनके दिल में संतुष्टता का अनुभव होता है, संतुष्टता का दान दें तो दुआएँ मिलती हैं, सहयोग दें तो दुआएं मिलती हैं, परमात्मा के साथ उनका संबंध जोड़ें तो दुआएं मिलती हैं, अपकारी पर उपकार करें तो दुआएं मिलती हैं, परंतु वो प्राप्त मेरा भंडारा भरपूर हो ना, इसलिए बैलेंस है। परमात्मा से लेते जावें, दूसरों को देते जावें, परंतु हम डिटैच होकर के रहें। इसलिए श्री विष्णु जी को, श्री लक्ष्मी जी को ऐसे दो हाथ ऊपर दो हाथ नीचे, लेते जाओ देते जाओ।
लेते जाओ, इसलिए आनंद मूर्ति है। तो बाबा को जैसे, और साथ साथ अपने तपस्वी स्वरूप में किसी भी प्रकार का अगर किचरा आ भी गया तो तपस्वी स्वरूप शंकर स्वरूप में भस्म कर दे, और ब्रह्मा स्वरूप, ब्रह्मा बाबा वो वाइब्रेशंस फैलाने में, ज्ञान का स्वरूप मूर्ति बनने में, तो त्रिमूर्ति शिव शक्ति स्वरूप में हम स्थित हैं, तो दुआएं दे सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा के साथ सरस्वती का स्वरूप है, विष्णु जी के साथ श्री लक्ष्मी स्वरूप है, और शिव शंकर को क्यों इकट्ठा कर दिया, अव्यक्त निराकार यानी देह भान से न्यारे स्वरूप, उस शक्ति स्वरूप को भस्म कर, अवगुण कमजोरी आई हमने भस्म कर दी। जैसे आज बाबा ने कहा ना, स्थिति आपकी ऐसी परमात्मा शिव के साथ कंबाइंड रूप रहे, साथी सारथी बन करके रहे, माया को भस्म कर दे, तो अपने लिए वो जैसे दुआ बन गई, अपने लिए हम अपना कल्याणकारी स्वरूप बन गए, तो हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि हमने माया को संसार सृष्टि का ही कल्याण कर लिया, विकारों को भस्म कर दिया तो सृष्टि बदल गई ना, दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, तो उसका आधार है बैलेंस, ब्रह्मा बाबा समान, मामा समान। कल बाबा ने बताया ना, जगदम्बा नंबर वन, ब्रह्मा नंबर वन, तो हमको वो नंबर वन बनने का लक्ष्य रखना है, उन लक्षणों की मूर्ति बनना है। तो एक बाबा से सर्व शक्तियों को लेना, तो वन कौन कौन है, बाबा है वन, गॉड इज वन। तो जब मेरा संबंध सर्व संबंध एक परमात्मा से है, तो एक परमपिता परमात्मा से ही मैं सर्व शक्तियां लेकर के संकल्प में शक्ति भर करके दूसरी आत्माओं को शक्ति का दान दे सकती हूँ, इसलिए शिव शक्ति हूँ। तो एक वो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा नंबर वन, एक है प्रजापिता, अनेक नहीं है, एक है जगदम्बा, एक है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म एक है, पीछे अनेक धर्म आते हैं। तो इधर ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा, मामा बाबा समान नंबर वन बनने का लक्ष्य, देवी देवता धर्म सृष्टि का, नई सृष्टि का नंबर वन धर्म है, तो नई सृष्टि बनाने का लक्ष्य है। इसलिए वृत्ति बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी, इस प्रकार का अगर हमारे पास लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है, लक्षणों की मूर्ति बन करके, दिव्य गुणों की मूर्ति बन करके, हम अपने लिए भी, अपने प्रति भी दुआएं इकट्ठी करते हैं, और उसी आधार से देवता बन करके दूसरों को भी दुआएं दे सकते हैं। इसे दाता देता रहता है, हम भी देते हैं परंतु डिटैच्ड होकर के। तो जो बाबा ने हमको होमवर्क दिया है, यही होमवर्क है ना, इसी होमवर्क में एकदम विशेषता को धारण करते जाएं, विशेषताओं का दान देते जाएं, उससे ही दुआएं मिलेंगी और दुआएं दे सकेंगे। ये बैलेंस है, स्वयं की सेवा, अन्य आत्माओं की सेवा, बैलेंस रखेंगे तो देने की बात नहीं परंतु मिलती ही रहेंगी, और हम ऑटोमेटिकली भर गए ना सुगंध, संपन्न बन गए। जैसे फूल अगर गुणवान बन, सुगंध फूल वाला, फूल में सुगंध भरी हुई है, देने का संकल्प नहीं है, हवा ऑटोमेटिकली फूल की सुगंध एटमोस्फेयर में फैलाती है, तो ये देने की कॉन्शियस भी नहीं, जब देवता स्वरूप है तो देने की कॉन्शियस भी नहीं है, ऑटोमेटिकली है। इसलिए वही श्री लक्ष्मी शिवनारायण बनने का हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य और लक्षण को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो बाबा ने कहा दुआएं देते रहेंगे, ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती रहेंगी, और भक्तों का स्नेह भक्ति रूप में भी, देवता चित्र रूप में भी मिलता रहेगा, और परमात्मा से चैतन्य रूप में मिलता रहेगा। तो ये भी बैलेंस है, जितना हम लेते जाएंगे उतना अनेकों से मिलता जाएगा, उतना ही देते जाएंगे दूसरों को।
तो देना और लेना, कॉन्शियस है तो लेना किससे है? मनुष्य आत्मा से नहीं लेना है, परमपिता परमात्मा से अधिकार लेना है स्नेह के आधार से, और फिर ऑटोमेटिकली वो बाबा हमको निमित्त बना करके दूसरों को देता जाएगा, हम गुणवान बन करके रहे, अपने लक्ष्य और लक्षणों को एक समान बना के रखें। ओम शांति।